उधम सिंह नगर के नानकमत्ता पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बनाने की भट्टियों पर छापेमारी की और करीब 130 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन भी नष्ट किया। दरअसल लॉकडाउन के कारण सरकार द्वारा शराब की दुकानें बंद किए जाने से कच्ची शराब बनाने और बेचने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों पर सितारगंज के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो टीमें बनाकर अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और प्रतापपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र पंत ने खमरिया गांव में कार्रवाई करते हुए दो अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ा। वहीं पुलिस की दूसरी टीम ने रनसाली के जंगलों में कार्रवाई करते हुए चार शराब की भट्टियों को तोड़ा। हालांकि इस दौरान अवैध शराब बनाने वाले आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने करीब 130 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। हमारी पुलिस कोरोना के खिलाफ जो महामारी चल रही है उसमें अपनी ड्यूटियों में व्यस्त है। इसका फायदा उठाकर शराब तस्कर लगातार शराब की कशीदगी कर रहे थे, इसकी सूचना मिल रही थी। कल प्रतापपुर चौकी इंचार्ज ने वहाँ खमरिया क्षेत्र में दो शराब भट्टियाँ पकड़ी और मैंने अपनी टीम के साथ रनसाली के जंगलों में चार शराब भट्टियाँ पकड़ी और लगभग 120 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। टोटल छः लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। आगे भी अभियान जारी रहेगा।